आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स, एक काम जो आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो बहुत से लोग करना भूल जाते हैं, इसीलिए उनको बहुत ज़्यादा बार 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 पेड़ खरीदना पड़ता है। तो इस वीडियो में जो मैं आप लोगों के साथ काम शेयर करने वाली हूँ वो ये है कि आप इस टाइम में ऐसे कौन से प्लांट हैं जिनमें सीड्स बनती हैं, यानी जो प्लांट में बीज बनती है, और ये परफेक्ट टाइम है कि आप उनकी बीज को कलेक्ट करके रख लीजिए, जिससे कि आपको बार बार जल्दी जल्दी नए पौधे ना खरीदने पड़े। इन बीजों से आप आसानी से पेड़ तैयार कर सकते हैं। और ये सब आप देख रहे हैं, ये गेंदा मैं 10 रुपए का खैर लाई थी, लेकिन आप देखिए इस टाइम मेरे गेंदे में कितनी ज़्यादा फ्लारिंग है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हे गाइस, दिस इज शगुफ्ता एंड यू आर वॉचिंग माई न्यू गार्डन। तो फ्रेंड्स, मेरा जो पहला प्लांट है जिनके सीड्स कलेक्ट करने पर है वो है आपका मैरीगोल्ड। मैरीगोल्ड हो गया, जाफरी हो गया। इस टाइम में आपको ये चेक करना है कि आपके प्लांट में जिस भी जो भी फ्लावर पूरी तरह से एकदम सूख चुका है, उनके उस सूखे हुए फूल को आप कलेक्ट करके रख लीजिए। उसके अंदर इनके बीज होते हैं जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी के बीज होते हैं, और इन बीज को अगर आप अपने पास कलेक्ट करके रखते हैं तो इन बीज के ज़रिए आप पूरे साल जब आपका ये प्लांट ख़राब हो जाए तो आप नए नए प्लांट बना सकते हैं, आपके गार्डन में कभी भी कमी नहीं होगी। इस तरह से देखिए, जो भी फ्लावर्स मेरे स्पेंट हो जाते हैं उनको मैं कलेक्ट करके इस तरह से रख लेती हूँ। तो ये एक बहुत अच्छा एक ही बहुत अच्छा तरीका होता है जिससे आप टाइमली नए नए प्लांट तैयार कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपको बार बार पौधों को खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप देख सकते हैं मेरा पूरा प्लांट जो है फूलों से भरा है। इसके बगल में जाफरी है, उसके भी मैंने फ्लावर्स जो स्पेंट फ्लावर थे अच्छी तरह सूख गए थे, उनको मैंने कलेक्ट करके रख लिया। तो इस तरह से अगर आप भी नहीं जानते, और बहुत से लोगों को ये भी नहीं पता होता कि किन के बीज कहाँ होते हैं, कैसे कलेक्ट करने होते हैं। इसी लिस्ट में जो फ्रेंड्स मेरा दूसरा प्लांट है ये है मैक्सिकन पिटूनिया। आप देखेंगे इस टाइम में प्लांट की ग्रोथ एकदम ख़त्म है, ना के बराबर है, लेकिन आप देख रहे हैं इसमें नए नए ये देखिए इस तरह के बीज बन रहे हैं। हालांकि ये बीज अभी मेरे मेच्योर नहीं हुए हैं, ये ग्रीन ग्रीन कलर के हैं। जब आपके ये बीज पूरी तरह से ब्राउन हो जाए, मतलब एकदम कत्थई डार्क कत्थई कलर के हो जाए, तब आप इनको कलेक्ट करेंगे। अभी अगर मैं इनको तोड़ूंगी भी तो इसमें बीज नहीं दिखेंगे, लेकिन मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि इस तरह के बीज बनते हैं। इनको आप अपने पास कलेक्ट करके रख लीजिए। अगर आपने इनको कलेक्ट नहीं किया तो ये मैच्योर होके अपने आप फट जाते हैं, गिर जाते हैं। दूसरा जो प्लांट है फ्रेंड्स वो है डायंथस का। डायंथस में भी देखिए, आपको अभी तो नहीं आप इनके बीज कलेक्ट कर सकते हैं अप्रैल मई में, लेकिन अभी भी आपके अगर प्लांट में एक दो फूल जो है वो सूख जाता है, पड़े पड़े एकदम ब्राउन हो जाता है, तो आप ये मैं आपको दिखा रही हूँ, इसके अंदर इनके बहुत बारीक बारीक ब्लैक कलर के सीड्स होते हैं जिनको आप ऐसे रब करेंगी तो उसमें से निकल आते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अभी मेरा वाला जो फ्लावर है, क्योंकि मुझे अपने प्लांट को बुशी बनाना रहता है, इसलिए मैं इन पे सीड पॉड अच्छे से डेवलप नहीं होने देती हूँ, उनको सूखने नहीं देती हूँ, पिंच करती रहती हूँ, इसलिए अभी कोई भी एकदम सूखा फूल नहीं है मेरे पास। आप भी डायंथस को जब लगा रहे हैं तो आप इनकी डेड हेडिंग ज़रूर करते रहें, और अगर जब आपको बीज चाहिए हो तो आप सूखे हुए फूल को पेड़ में ही लगा रहने दें, उससे अलग ना करें, तो उसमें थोड़े टाइम के बाद वो बीज बनने लगता है। हर प्लांट का एक प्रोसेस होता है, वो अपनी ग्रोथ स्टार्ट करता है, बड़ा होता है, फूल खिलाता है, और उसके बाद फिर उसका एक डोरमेंट पीरियड आता है जहाँ पे वो सीड्स को डेवलप करने लगता है। नेक्स्ट प्लांट जो है फ्रेंड्स ये है कनेर ओलियांडर। ये थोड़ा सा आपका देखिए इस तरह से इनके बीज जो हैं वो बेरी के साइज़ में इनके बीज रहते हैं। अभी तो ये देखिए पका हुआ नहीं है, मैं आपको पका भी दिखाती हूँ। इस तरह से ये दो टाइम में आपको, एक तो मॉनसून के बाद आपको इनमें बीज बनते दिखेंगे, और दूसरा जो है स्प्रिंग सीजन के टाइम में आपको इस तरह, ये देखिए ये जब एकदम डार्क ब्राउन हो जाएगा, इसको जब आप फोड़ेंगे तो इसके अंदर इसका बीज होता है। तो इस तरह से कनेर आप इसको कलेक्ट
चेक कर लीजिए इनका बीज, जब भी आप इन प्लांट को छुएं या इनके साथ कोई काम करें तो उसके बाद आप अपने हैंड को अच्छे से वॉश कर लें, क्योंकि ये थोड़ा सा ये प्लांट जो है आपकी स्किन के लिए अच्छा नहीं होता। तो बस ये वाला प्लांट था। इसके बाद जो फिफ्थ प्लांट है वो है आपका तुलसी, जो कि बहुत से लोग लगाते हैं। बहुत से लोगों की प्रॉब्लम क्या रहती है कि उनका तुलसी का प्लांट जो है वो ख़राब हो जाता है, सर्वाइव नहीं करता। मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने सिर्फ एक ही प्लांट लगाया हुआ है, लेकिन इसके जो ये मंजरी होते हैं सीड्स, ये अपने आप सूख के इधर उधर गिरते रहते हैं, और इससे नए नए प्लांट, 3-4 प्लांट मैं लोगों को दे चुकी हूँ। उसके अलावा इसमें अभी भी मेरे पास इनके अपने आप निकले हुए प्लांट बहुत सारे मौजूद। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा प्लांट पे वो जो मेरा वाईफाई वाला रॉड है ना, वो गिर गया था। देखिए मेरा पूरा ये प्लांट कितना हेल्दी है, पूरा टूट गया बीच से उसकी ब्रांच। इसको मैं कट करके अलग से सेपरेट किसी भी गमले में अभी लगा देती हूँ, तो उससे नया प्लांट तैयार हो जाएगा। तो ये इस तरह की जो मंजरी निकलती है, जब ये थोड़ा सूख जाए तो आप इसको किसी उसी के गमले में भी आप लगा सकते हैं, और या फिर आप इसको अलग से सुखा के रख लें। इसमें भी छोटे छोटे इनके बीज होते हैं। इधर देखिए, ये सारे मेरे अपने आप से निकल आए हैं प्लांट, और भी बहुत सारे छोटे छोटे बेबी प्लांट निकले थे जो मैंने बहुत से लोगों को दे दिया, हटा दिया। तो इस तरह से आप भी इनके बीज को कलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, इधर जो मेरे विंटर फ्लावरिंग प्लांट हैं, इनकी ग्रोथ देखिए अच्छे से, लेकिन अभी इनका टाइम नहीं कि इनकी सीड कलेक्ट करूं। ये देखिए, ये है सिलोशिया कॉक्सकॉम्ब। इसके फ्लावर्स जैसे खिलते हैं, तो ऊपर से जब इसका फ्लावर खिला रहता है, नीचे से सूखना स्टार्ट होता है। तो जब ये नीचे से सूखता है, तो इस तरह से आप इनके फूलों को जब रब करेंगे, तो इसके अंदर से इनकी जब ये अच्छे से सूख जाते हैं, तो ब्लैक ब्लैक कलर की छोटी छोटी सीड्स निकलती हैं इनमें। इसको भी अच्छे से रब करने पे इसमें से इनकी सीड्स निकलेंगी। तो इस तरह से कॉक्सकॉम्ब सिलोशिया, इधर वाले में देखिए आपको दिखाती हूँ, वाला भी अच्छे से सूखा नहीं है। इस तरह से देखिए, नीचे ऊपर से फ्लावर आपका अच्छा खिला हुआ है, लेकिन नीचे से जब ये सूखने लगता है फूल, तो इसको जब आप इस तरह से ऐसे इनको नीचे नीचे से ऐसे रब करेंगे हल्के हाथों से, तो इसके जो दाने हैं वो टूट टूट के आपके हाथ पे गिरेंगे। और आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए इस तरह से ये ब्लैक ब्लैक कलर के इनके सीड्स होते हैं, जो कि इनके अंदर जमे होते हैं। आप देखिए, इन सीड्स से आप इनको अच्छे से कलेक्ट करके रख लीजिए, तो आप बार बार ये पौधा लगा सकते हैं। आप सोचिए, एक पौधे से पता नहीं सैकड़ों पौधे आप बना सकते हैं, वो भी एकदम फ्री में। आप ऐसे इनके बीज को कलेक्ट करके रख लीजिए, और आप अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड में, सब लोग को ये आप गिफ्ट भी कर सकते हैं प्लांट, और आपको बार बार नर्सरी से लाना भी नहीं पड़ेगा। अगला जो प्लांट है फ्रेंड्स, ये है देखिए बालसम। कुछ टाइम पहले मैंने आप लोगों को दिखाया था, मेरे प्लांट में बहुत सारे सीड्स ग्रीन ग्रीन कलर के, इनके जहाँ भी फूल सूखते हैं वहाँ पर ऐसे ग्रीन ग्रीन कलर के सीड पॉट्स बनते रहते हैं। तो इनको मैंने देखिए इस तरह से तोड़ के, एक यूज एंड थ्रो ग्लास है मेरे पास, मैंने उसमें सबको डाल दिया था। और आप देखिए, जब वो फूल एकदम अच्छे से सूख गया, मैंने जब डाला था तो सब ग्रीन थे, लेकिन जब देखिए ये 15-20 दिन में अपने आप इस तरह से ये सूख गए। तो आप देखिए, ये बालसम के सीड्स हैं जो कि उसके फूल के अंदर से निकले हैं। तो इस तरह से आप बालसम से भी, एक प्लांट से बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं आप। अभी भी मैं ये देखिए, इस तरह से मैंने इनको कलेक्ट करके इस यूज एंड थ्रो ग्लास में रख लिया था, और उसका रिजल्ट कितना अच्छा है ये देखिए। मैंने अभी इनकी सॉइल मिक्स में तोड़ के डाले भी हैं ग्रीन ग्रीन। नेक्स्ट प्लांट जो है, ये है विनका, यानी सदाबहार। इसमें भी बहुत हैवी क्वांटिटी में इस तरह से सीड पॉट बनते हैं। प्लांट आपका बहुत हेल्दी ग्रो करता है। आप देख रहे हैं इनकी सीड्स कितनी ज़्यादा बन रही हैं इनके में। इस टाइम फ्रेंड्स, अगर आपके पास हाइब्रिड और देसी सदाबहार दोनों हैं, तो ये सीड पॉट आपको सब में बने हुए दिखेंगे। तो आप इनको कलेक्ट कर लीजिए। हालांकि ये पौधा बहुत महंगा नहीं मिलता है, 20 से 25 रुपए का मिल जाता है, लेकिन अगर हम फ्री में इन पौधों से बहुत सारे पौधे बना सकते हैं, तो फिर 20-25 रुपए भी क्यों खर्च करना। तो इस, और ये वैसे भी आपका विनका, इनके सीड्स अपने आप ही नए नए प्लांट बनते रहते हैं। नेक्स्ट प्लांट
नोटिस फ्रेंड्स, ये देखिए 4 o'clock प्लांट यानी गुलाब्बास, इसमें भी देखिए बहुत सारे सीड्स इस टाइम बने थे, मैंने बहुत को कलेक्ट भी करके रखा है। ये देखिए इस तरह से इनके इसमें ये देखिए बीज इनके बनते रहते हैं। इस टाइम ये प्लांट डोरमेंसी में है, अपनी ग्रोथ इसने बहुत रोक दिया है। तो देखिए मैंने इनकी इस तरह की जो भी इनमें बीज लगे हुए थे उन सब को मैंने कलेक्ट कर लिया। इसको भी बीज से लगाना बेहद आसान रहता है। शाम में 4 बजे के बाद इनमें बहुत अच्छे से फूल खिलना स्टार्ट हो जाते हैं। और आप देखिए इनकी बीज, अगर आप इनको अभी कलेक्ट नहीं करेंगे तो मे बी ये टूट टूट के हवा में बिखर जाएं और फिर आप इनको कलेक्ट नहीं कर सकते, जैसे काली मिर्च के तरह इनकी बीज होती है। मैं आपको दिखाती हूँ अभी मेरे जो ये कुछ बीज अपने आप गिर गए गमले में, तो देखिए उनसे छोटे छोटे बेबी प्लांट अपने आप बन के तैयार हो गए। और मैं आपको गमले में भी पड़ी हुई कुछ बीज दिखाती हूँ जो कि देखिए वाटरिंग करने से एकदम गीली हो गई हैं। तो ये इस तरह से अपने आप टूट के गमले में गिरते हैं और नए नए प्लांट तैयार होते रहते हैं। बेहतर होता है कि हम इनकी बीज पहले से ही कलेक्ट करके रख लें। नेक्स्ट प्लांट जो है ये कैनाफिबिस्कस है, बहुत खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है, बहुत हैवी क्वांटिटी में इसमें फ्लावर्स आते हैं। आप कलियां देखिए, छोटा सा पौधा है लेकिन कितनी सारी इस पर कली बनी हुई है। ये देखिए फ्रेंड्स, इधर मैं आपको दिखाती हूँ जब ये फूल सूख जाता है तो इसमें देखिए कितनी सारी बीज, ये जो खिल चुका है इसमें बीज बनी हुई है। मैं आपको इसको कट करके दिखाती हूँ, इसमें कांटे कांटे होते हैं जो कि हाथ में चुभते रहते हैं। तो देखिए मैंने मम्मी को नीचे से हाथ लगाने को बोला है और मैं इसको ऊपर से कट कर रही हूँ। मेरे कटर में ना थोड़ा सा शार्प नहीं है, इसको मुझे इसमें धार दिलाना होगा। इसमें बहुत कांटे होते हैं, आप इसको जब भी कट करिए तो बहुत संभाल के कट करिएगा वरना ये हाथ में चुभ जाते हैं। इसके भी बीज मैं आपको दिखाती हूँ अभी, देखिएगा इसमें ये इस तरीके से देखिए इनके बीज इसमें बने होते हैं जिनको आप कलेक्ट कर लीजिए। आप इमेजिन करिए कि एक फूल के अंदर 8 से 10 बीज मतलब इस तरीके से निकल रही हैं। ये देख रहे हैं आप कितनी छोटी छोटी इनकी बीज है। तो ये परफेक्ट टाइम है कि अगर आपने भी कैनाफिबिस्कस लगाया हुआ है तो इनके बीज इस टाइम आप कलेक्ट कर सकते हैं। इन बीजों से आप इस प्लांट को पूरे साल ही उगा सकते हैं, चाहे गमले में हो या मिट्टी में हो। बहुत हार्डी प्लांट होता है और बहुत हैवी क्वांटिटी में फ्लावर्स प्रोड्यूस करता है, एक हाथ से निकल नहीं रहा है फ्रेंड्स। इसके कांटे बार बार चुभ रहे हैं, मैं अभी आपको इसके बीज और निकाल के इसमें से दिखाऊंगी। तो इस तरीके से आप ये कैनाफिबिस्कस के बीज को कलेक्ट कर लीजिए। ये बहुत ही परफेक्ट टाइम है और आप एक प्लांट से पता नहीं कितने सारे प्लांट बना सकते हैं। इस तरीके के इनके बीज, इनके भी बीज ब्लैक कलर के होते हैं ये। और नहीं तो नेक्स्ट देखिए आगे बताती हूँ आपको भी। अगला जो प्लांट है ये देखिए, ये है हरी धनिया, कोरिएंडर है ये फ्रेंड्स। मैंने लगाया था कुछ टाइम पहले, मैंने हार्वेस्ट नहीं किया तो आप देखिए उनमें फ्लावर्स आने लगे और मैंने मुश्किल से 25-30 दाने स्प्रिंकल किए होंगे तो उससे जो भी प्लांट बना। और आप देख सकते हैं इतने छोटे से प्लांट में फ्रेंड्स पता नहीं कितनी हज़ारों बीज तो बनी होंगी इसमें, एक एक में गुच्छे में बनी हुई है। तो हरी धनिया के भी बीज, इनको मैं थोड़ा पक जाने दूंगी क्योंकि अब वैसे भी ये मेरे किसी काम में मैं इनको नहीं लूंगी, ये थोड़ा और मैच्योर हो जाएंगी फिर मैं इनको यहाँ से कलेक्ट कर लूंगी। सूख जाएगी ये तो फिर मेरी खड़ी धनिया बन जाएगी और फिर मैं उससे नए प्लांट भी तैयार कर सकती हूँ और अपने किचन में भी यूज़ कर सकती हूँ। ये एकदम ऑर्गेनिक केमिकल फ्री धनिया है। अगला जो प्लांट है ये देखिए, ये अडेनियम है। इस बार तो फ्रेंड्स अभी भी मेरे किसी भी अडेनियम में सीड पॉड नहीं बना है, लेकिन लास्ट ईयर के मेरे कुछ जो सीड्स बने हुए थे वो मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आप देखिएगा कि कैसे आप कलेक्ट कर सकते हैं। इधर भी देखिए जो मैंने बताया था हाइब्रिड वाला, कि हाइब्रिड सदाबहार में भी आते हैं, फलियाँ बनती हैं, ये भी देखिए इसमें भी बन रही है। ये वाले का तो मुझे ज़रूर से कलेक्ट करना है, कुछ लोगों ने मुझसे बोला भी है इसके बीज के लिए। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो लास्ट ईयर मेरे अडेनियम में सीड पॉट बना था, आप देखिए कितने सारे बीज मैंने इनके कलेक्ट करके रखे। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी कि आप अभी भी इन बीजों को कलेक्ट कर सकते हैं और इनसे फिर नए नए फ्री में सैकड़ों प्लांट बना सकते हैं। होप ये इन्फॉर्मेशन आप लोग को अच्छी लगी होगी। और इधर भी देखिए, मैं इस तरह से टाइमली बीज कलेक्ट करके उनको पेपर में लपेट के नाम लिख के और एक पन्नी में बांध के रखती रहती हूँ।
तो प्लीज़ सपोर्ट बनाए रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, बाय।